आपके अपने परिवार प्रेपकर में प्रेपकर यानी क्रैकर एक बार सभी साथी के साथ ही जुड़ जाएंगे जल्दी से। आज 2-3 मिनट लेट हो गई, उसके लिए माफ़ी। चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाओ भाई। चालू करते हैं आज के इस सेशन को। आज बटर पेपर लाने याद दिलाना मुझे, है ना? तो आंख में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कल कहाँ पर थे? कल शायद मैंने तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहा था आपको। कल हम पढ़ रहे थे तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान हम पढ़ रहे थे, और उसका समय आपको हमने बताया था 1961 से लेकर 1966 तक था। 1961 से लेकर 1966 दोस्तों। यदि उद्देश्य की बात करूं दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था, पहले का क्या था? कृषि, और दूसरे का क्या था? उद्योग। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था दोस्तों वो कृषि प्लस उद्योग था। मॉडल के बारे में भी हमने बात करी थी कि इस मॉडल को यदि तीसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल की हम बात करें दोस्तों, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को हम जीएम सैंडी मॉडल भी कह देते हैं, या सुखमय चक्रवर्ती मॉडल भी कह देते हैं। जीएम सैंडी या सुखमय चक्रवर्ती मॉडल भी कह देते हैं। ये सारी बातें आई थिंक पिछली क्लास में हमारी विस्तार से चर्चा हमने कर ली थी, है ना? और बात कर रहे थे कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है। तो दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही भारत में चौथा लोह इस्पात कारखाना बोकारो के अंदर खोल दिया गया। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट, बोकारो लोह इस्पात कारखाना यहाँ पर भारत में खोल दिया जाता है। और इस बीच मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1962 में चाइना और इंडिया के बीच भिड़ंत हो जाती है, जिसे हम इंडो चाइना एग्रेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में भारत चीन युद्ध कहते हैं। इतना आई थिंक मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था। कल की क्लास में हम यहाँ पर पहुँच गए थे जब आपकी मैंने लास्ट क्लास बंद करी। लास्ट क्लास मैंने डिक्लेयर करी कि हाँ बस इतना ही करेंगे आज। तो वहाँ इंडो चाइना एग्रेशन तक पहुँच चुके थे, भारत चीन युद्ध तक अपन लोग पहुँच चुके थे। अब यहाँ पर चीन हमसे ज़्यादा ताकतवर था। इनफैक्ट चीन ने भारत के जो लद्दाख वाला एरिया है, लद्दाख वाला जो ये एरिया है, ये इधर वाला जो एरिया है, इस पर कब्जा भी कर लिया, और इसे अब कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और यहीं पर दोस्तों आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें वो झील वाला जो सीन है ना, वो झील आधी चाइना में है आधी भारत में है, भारत चीन युद्ध हो जाता है। समय बढ़ता है 1965, चाचा जी चल बसे, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू डाइड। अब बात चली कि दूसरा प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। बात ये थी कि भैया अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री की रेस में एक वल्लभ भाई पटेल के अत्यंत नज़दीकी, अत्यंत प्रिय एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई साहब इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। सबको लग रहा है कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, और भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोरारजी भाई देसाई बनेंगे, ये सबको लग रहा है। और सब इस बात से भली भांति परिचित है कि अब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भैया इस बार जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोरारजी देसाई ही बनेंगे। लेकिन 1965 थोड़े समय के लिए दोस्तों कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा साहब ने काम संभाला। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना गया, और तब तक किसने काम संभाला? गुलजारी लाल नंदा। ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया, तो गुलजारी लाल नंदा साहब ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। और 1965 में ही दोस्तों, 1965 के अंदर ही भारत में एक नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया, जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री साहब। लाल बहादुर शास्त्री वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनका चयन कर लिया गया।
अब 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान जब हमारी चीन से युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान हमें देख रहा था। अच्छा, पाकिस्तान को तो मज़ा आ रहा था, पाकिस्तान तो ये कह रहा था बढ़िया बढ़िया और मारो इसको, ज़्यादा बोलता है। अब पाकिस्तान को लगा कि भारत कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि 1962 जो भारत चीन युद्ध जब हुआ, दोस्तों भारत चीन युद्ध जब हुआ ये पहला मौका था जब भारत चूंकि आज़ाद हुआ तब गरीब देश था, तो इस समय तो और भी पैसे की आवश्यकता पड़ी, धन की आवश्यकता पड़ी, लोगों से लोन लेने के लिए गया तो यहाँ पर पहली बार रुपये का अवमूल्यन हुआ था। रुपये का अवमूल्यन हुआ था, पहली बार रुपया इतना गिर गया था, क्योंकि जब अंग्रेज छोड़ के गए हमें तो हमारा जो रुपया था वो एक पाउंड बराबर एक रुपया था, एक पाउंड बराबर एक रुपया होता था। लेकिन यहाँ भारत चीन युद्ध में हमें धन की आवश्यकता पड़ी, हमें लोगों से लोन की आवश्यकता पड़ी, ऋण की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसे में रुपये में लोगों का विश्वास कम हो गया। और जैसे हम डॉलर में लेके आए तो हमारी प्रेफरेंस डॉलर हो गई, तो इसलिए पहली बार रुपये का अवमूल्यन यहाँ पर देखने को मिल गया था। और पाकिस्तान को लगा कि अब भारत बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, पाकिस्तान को लगा कि जब कोई पिटरा होता है तो अपन एक दो अपन भी लगा देते ना इस बहाने कि हाँ भाई बहती गंगा में हाथ धो ले, तो पाकिस्तान को लगा वही काम है, तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है और इसे कहते हैं इंडो पाक वॉर, इसे कहते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध। इसे क्या कहते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध। लेकिन पाकिस्तान ने हमें कम आंक लिया था। लाल बहादुर शास्त्री साहब एक नारा देते हैं जय जवान जय किसान, क्योंकि मैं लगातार आपको ये भी समझाते हुए चल रहा हूँ कि लगातार भारत के अंदर अकाल जैसी स्थिति हर वर्ष बन रही है क्योंकि मानसून कमज़ोर चल रहा है। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री एक दिन रेडियो पर आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन हमारे सभी फौजी भाइयों को सहयोग करने के लिए सभी किसान भाई एक समय का खाना खाएंगे। और यकीन मानिएगा पूरा भारत एक समय का खाना खा रहा था, पूरा भारत भूखे रह रहा था, एक टाइम खाना खा रहा था, पूरा भारत व्रत कर रहा था। ये थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दे दिया जय जवान जय किसान भाई। अपने जवान चले गए, जवान लड़ने के लिए बढ़ गए। यदि जवानों की बात करूं तो सबसे आगे जाट रेजिमेंट चल रही है, पाकिस्तान पर हमला कर लिया, हम पाकिस्तान में प्रवेश कर लिया है और लाहौर 10 किलोमीटर दूर है। लाहौर ये लग रहा है कि आज की रात लाहौर को कब्जे में कर लिया जाएगा और भारतीय सेना कह रही है कि आज वंस फॉर ऑल आज इसको ख़त्म ही कर देते इस चैप्टर को आपके इतिहास से, हाँ आज इसे भारत ही बना देते हैं। पाकिस्तान को लगा डर, पाकिस्तान पहुंचता है अमेरिका के पास, अमेरिका को कहता है भैया भैया त्राही माम हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। अमेरिका कहता है कि भैया तुम्हारा छोटा मोटा मसला है, क्यों फालतू में मेरे को डिस्टर्ब करो, भागो यहाँ से। अब यहाँ पर पाकिस्तान पहुंच जाता है हमारे बड़े भैया रूस के पास, रशिया के पास। अब भाई बड़े भैया के पास आपकी कोई शिकायत लेके जाए तो बड़े भैया क्या कहेंगे कि दोनों इधर आ जाओ। तो भाई हमें बुला लिया गया ताशकंद के अंदर, और ताशकंद के अंदर एक विशाल पार्टी रखी। ताशकंद आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है, याद रखना, अब वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है वर्तमान में ताशकंद। तब ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। तो ताशकंद में दोस्तों ताशकंद समझौता हस्ताक्षर करते हैं, अपनी तरफ से जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री और उधर से आते हैं जुल्फिकार भुट्टो साहब वगैरह, ये सब भी लोग आ जाते हैं। और पाकिस्तान ने भारत को देखकर भारत के पैर में गिर गया कि मेरे से गलती हो गई, तुम अपने सुनील शेट्टी को वापस बुला लो। तुम्हारी सेना का सुनील शेट्टी सबसे आगे चल रहा है और कह रहा है ये धरती मेरी माँ, ये धरती मेरी माँ है, और ना उसे गोली लग रही। तुम्हारे सन्नी देओल को वापस बुला लो, वो बार बार हेडपम्प उखाड़े जा रहा है, कह रहा है अशरफ अली अशरफ अली ये कहे जा रहा है। तो भारत ने भी कहा चलो ठीक है। तो पाकिस्तान ये कह रहा था कि मम्मी कसम आज के बाद तुम पर हमला नहीं करूँगा, तो हम मान गए, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और रात में रहस्यमयी तरीके से एक छाती में दर्द होता है लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री साहब भी चल बसे। ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री साहब की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री साहब की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, ये आज तक इसमें पता नहीं चला है।
कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, आज तक नहीं पता चला। और बहुत सारी बाजार में अफवाहें हैं कि ये इंदिरा गांधी ने करवाई, इसने करवाया, इसने करवाया, बाकी तमाम चीज़ें फालतू की बात है। इंदिरा गांधी का रोल उस समय नहीं था, क्योंकि यहाँ फिर एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भारत का दूसरे प्रधानमंत्री की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। तो फिर से गुलजारी लाल नंदा साहब आते हैं और गुलजारी लाल नंदा साहब फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्य पूरा करते हैं। गुलजारी लाल नंदा अगेन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाते हैं कि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं गुलजारी लाल नंदा साहब। फिर से ये था कि नया प्रधानमंत्री किसे चुनाया जाएगा। 1966 का समय आ चुका है, सबको लग रहा है कि इस बार तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन ही जाएंगे, और मोरारजी देसाई को खुद को भी ये लग रहा है कि अब मेरे को कौन रोकेगा, चलो पिछली बार तो इन्होंने नहीं मानी। लेकिन देखो भाई, उस समय की जो कांग्रेस थी उसमें दक्षिण निवासियों का दबदबा अधिक हुआ करता था, दक्षिण वालों के कंट्रोल में ज़्यादा रहा करती थी, और वो मोरारजी देसाई को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे भारत का प्रधानमंत्री बनाना। तो 1966 में दोस्तों नेहरू जी की बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को भारत का नया प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इंदिरा गांधी बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नई प्रधानमंत्री बन जाती है। अब समस्याएं हमारे साथ लगातार होती आ रही हैं। मैं आपको शुरू से एक चीज की बात बताते चल रहा हूं कि सर लगातार मानसून फेलियर हो रहा है, लगातार मानसून में कमी आ रही है, मानसून कमजोर पड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस बार 1966 का समय था, ये वर्ष जो है वो 1966 का है, और 1966 में इस बार तो सर बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, और हमने भारत चीन युद्ध लड़ लिया, हमने भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ लिया दोस्तों, हमने इतने सारे युद्ध लड़ लिए। तो ऐसे में हमारे पास जो खाद्यान्न थे वो उनका व्यय भी अधिक हुआ, उनका खर्च भी अधिक हुआ, हमारे पास स्टोरेज में कुछ नहीं था दोस्तों। और देखो जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा होता है तब इसी परिपेक्ष में मेरे प्यारे साथियों 1965 में ही, आपको दो चार चीज़ें और बता दूं, 1965 में ही दोस्तों एक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया, एक कृषि मूल्य आयोग बनाया गया, कृषि मूल्य आयोग बनाया गया, कृषि प्राइस कमीशन बनाया गया, जिसका काम क्या था, जिसका काम था कि किसानों को एक न्यूनतम मूल्य, किसानों को उनके उत्पाद का एक न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा कृषि मूल्य आयोग के द्वारा, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, MSP कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए, समर्थन मूल्य तय करने के लिए दोस्तों बनाया गया कृषि मूल्य आयोग। ये क्यों बनाया गया सर, अभी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, फिर आएंगे। देखो लगातार हम बता रहे हैं कि भारत में खाद्यान्न संकट उपज रहे हैं, ऐसे में खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाने के लिए, खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखने के लिए, बफर स्टॉक क्यों रखना है, भुखमरी से बचने के लिए स्टॉक रखने के लिए, स्टॉक बनाने के लिए एक संस्थान की स्थापना करेगी, बनाने के लिए एक संस्थान की स्थापना करेगी जिसका नाम था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम था? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना करी जाती है। कि ये क्या करेगा, खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखेगा और इससे कि भुखमरी नहीं आएगी, ठीक है। अब ये FCI या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्यान्न निगम किससे खरीदेगा दोस्तों? तो एक मैंने आपको बताया कि 1965 के अंदर ही एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग बनाया गया। क्या सरकार द्वारा क्या बनाया गया? कृषि मूल्य आयोग बनाया गया, जो फसलों का, किसान की फसलों का, किसान की फसलों को खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य जारी करेगा, किसान की फसलों को, फसलों का क्रय करने के लिए, क्रय करने के लिए न्यूनतम मूल्य जारी करेगा, न्यूनतम मूल्य जारी करेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि यदि किसानों को बाजार में उससे ज्यादा मिल रहा है तो बाजार में बेच दे, और यदि किसानों को बाजार में उससे कम मिल रहा है तो ऐसे में किसानों की फसलों का क्रय करने के लिए न्यूनतम मूल्य जारी करेंगे। और इस पर कौन खरीदेगी? राज्य सरकार दोस्तों। इस मूल्य पर कौन खरीदेगा? राज्य सरकारें इस मूल्य पर खरीदेंगी, MSP पर खरीदेंगी राज्य सरकार।
राज्य सरकार ने एक गारंटी दे दी किसान को कि भाई इतने में तो मैं खरीद लूंगा, यदि तुम हमसे बाजार में 2100 रुपये 2000 रुपये में सरसों नहीं खरीद रहा तो 2000 में मैं दे रहा हूँ, 2000 रुपये मैं खरीदूंगा तुमसे, टेंशन काहे बात की। तो राज्य सरकार यहाँ MSP पे खरीदेगी और फिर ये किसको देती थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्यान्न निगम, ताकि खाद्यान्नों का बफर स्टॉक हमेशा बना रहे। ये बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है दोस्तों। अच्छा, इससे संबंधित आपको मैं दो चार चीज़ें और बता दूं। वर्तमान में जो कृषि मूल्य आयोग है दोस्तों, वर्तमान में जो कृषि मूल्य आयोग है, इसे इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम कर दिया गया CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अभी वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका नाम कर दिया गया है। पहले क्या नाम था इसका, कृषि मूल्य आयोग नाम था, अभी इसका नाम कर दिया गया है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यदि इसकी मैं बात करूं तो वर्तमान में बात करता हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करता हूं दोस्तों, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुल 22 फसलों का, कितनी फसलों की MSP जारी करी जाती है, कुल 22 फसलों की MSP जारी करी जाती है। फसलों की का न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, कितने का, 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है दोस्तों। याद रखना, गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता, गन्ने का MSP नहीं होता, गन्ने के लिए MSP नहीं जारी की जाती, गन्ने का FRP जारी की जाती है, फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइसेस। क्या जारी की जाती है, फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस जारी की जाती है। इन 22 फसलों में दोस्तों दो नगद फसलें हैं, दो कौन सी फसलें हैं, दो नगद फसलें हैं, दो नगद फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। फॉर्मूले क्या हैं इसके तय करने के, वो मैं कभी दोबारा बता दूंगा, इतना नहीं पूछता आपको, CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे सर 1966 की, इस बार तो इतना भयंकर सूखा आया, आज तक का सबसे भयंकर सूखा आया, और ये इतना भयंकर सूखा था कि लोग पेड़ों की छाल छील कर खा खा कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। आज तक के सबसे भयंकर अकाल आया 1966 में। देखो, हमारे साथ विडंबनाएं बहुत सारी हुई हैं। हमारे साथ 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, और 1966 में भयंकर सूखा हो गया। आपको क्या लगता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, सर फोन थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है बेटा वो अच्छा, तुमने PDF अभी तक देखी नहीं, तुमने PDF, सर क्वेश्चन की PDF कहाँ मिलेगी, देखो अभी फोन पे दिखा पाऊंगा मैं, तुम दिख जाएगा तुम्हें, एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं आपको करके दिखा देना, खोल के दिखा देता हूँ। एक मिनट, कवच बैच है ना, देखो ये ऊपर जाते हो ना रिकॉर्डेड में, तब यहां इकोनॉमिक्स आ रहा है, इकोनॉमिक्स में 5-ईयर प्लान और इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्लिक करना, 11 जुलाई, अलग अलग वीडियो आ जा रही है सारी की सारी, और इसके बगल में PDF आ जा रही है, इसके बगल में जहां रिकॉर्डेड में गए ना तुम, जैसे इकोनॉमिक्स पे क्लिक करे, लाइव चल रही है और एक तरफ रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड पे जैसे क्लिक करे, इकोनॉमिक्स पे क्लिक करे, इंट्रोडक्शन नीचे आ गया, इसमें Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, उसके बगल में वॉच और व्यू PDF, वॉच और व्यू PDF, वॉच और व्यू PDF, वॉच और व्यू PDF, और अभी 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 मुझे 2 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, वो PDF भी मैंने डलवा दी नहीं, ठीक है। तो सर हम बात करें तो 1966 की, 1966 में भयंकर सूखा हो गया। अब मुझे बताइए कि ये सफल योजना होगी कि असफल योजना होगी, सर इतनी इतनी सारी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं, तो ये आज तक की सबसे असफल योजना थी दोस्तों, सर्वाधिक असफल योजना रही, सर्वाधिक असफल योजना रही दोस्तों,
आज तक की सर्वाधिक असफल योजना रही तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्लियर है मेरी बात? समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये कंसेप्ट भी समझ गए? वेरी गुड बच्चा, ना? ये फर्क होता है आपके यूट्यूब में और ऐप में, क्योंकि ऐप पर मैं खुलकर आपको चीज़ें, एक एक चीज़ें आराम से बता सकता हूँ, इत्मीनान से। वहाँ तो क्या होता है कि बच्चे फिर वहाँ पे गाली देने लग जाते हैं, सर जल्दी नहीं पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते। यहाँ मुझे सब बताना, आपको एक एक चीज़ बतानी है ताकि आपका कुछ नहीं छूट जाए। अब सर आती है बारी, 1961 से लेकर 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो ली है, ठीक है। अब 1966 के अंदर चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होनी है, लेकिन क्या भारत मजबूत है? भारत के पास इतना धन है? क्या भारत के पास इतने संसाधन हैं? क्योंकि सर युद्ध लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। हम कह तो देते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध लड़ लेना चाहिए, लेकिन सर आप बात करो कि एक युद्ध कई सालों तक सहलाता है, एक युद्ध कई सालों तक दर्द देता है किसी भी देश को। और हमने तो दो युद्ध लड़ लिए थे, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के साथ, और इधर दूसरी तरफ हमने, हमारे यहाँ भयंकर अकाल आ चुका है, सब कुछ सूखा ही सूखा हो रखा है। ऐसे में करा जाए तो क्या करा जाए दोस्तों? ऐसे में करा जाए तो क्या करा जाए? तो 1966 में दोस्तों संसाधनों की कमी के कारण, अच्छे से लिख लीजिएगा, फॉन्ट बड़ा करूं बच्चा, 1966 में संसाधनों की कमी को नजर रखते हुए, संसाधनों की कमी की वजह से, कमी की वजह से चौथी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती है। इसके बजाय 1966 से लेकर 69 तक, 1966 से लेकर 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जाती है। चूंकि कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं करी गई थी, इसीलिए इसे योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं, या योजना अंतराल भी कह देते हैं, योजना अंतराल भी कह देते हैं, या योजना अवकाश भी कह देते हैं। दिस इज वेरी मच नोन एज प्लान्ड होलीडे और प्लानिंग गैप, 1966 से लेकर 69 तक। FRP क्या है? फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइसेस, जो गन्ने के लिए कीमत तय करी जाती है, उसका फॉर्मूला जो अलग होता है। गन्ने के अंदर न्यूनतम मूल्य नहीं दिया जाता, गन्ने के अंदर आपको एक अच्छा मूल्य दिया जाता है जो फेयर हो, जो सही हो, है ना, सही एवं लाभकृति, लाभदारी, लाभ, लाभकारी मूल्य दिया जाता है। तो दोस्तों 1966 से लेकर 69 तक अब सरकार ने क्या किया दोस्तों? तो याद रखिएगा, 1966 से लेकर 69 तक सरकार द्वारा तीन वार्षिक योजनाएं लॉन्च करी गई, तीन एनुअल प्लान्स, तीन वार्षिक योजनाएं लागू करी सरकार ने। योजनाएं मतलब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई, तीन वार्षिक योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई 1966 से लेकर 67, 1967 से लेकर 68 और 1968 से लेकर 69 तक। इस तरीके से तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गई भारत सरकार के द्वारा दोस्तों। इस बीच मैंने आपको बताया कि भारत में खाद्यान्न संकट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए 1966 में दोस्तों नई 1966 में दोस्तों याद रखिएगा, नई कृषि नीति लॉन्च करेगी, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड, नई कृषि नीति जारी की गई, जिसका उद्देश्य था भारत में खाद्यान्न संकट को दूर करना। ऐसे में दोस्तों दो लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला, उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर की यदि मैं बात करूं, यदि हम उस समय के कृषि मंत्री की बात करें, और उस समय के ICRA के, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के संस्थापक के डायरेक्टर की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। देखो, इंदिरा गांधी के सामने एक समस्या जो आ रही थी, वो आ रही थी कि भैया अब भारत में किस तरीके से काम होगा, क्योंकि भारत तो भूखा मर जाएगा। तो ऐसे में उस समय कृषि मंत्री हैं चिदंबरम सुब्रमण्यम, क्या नाम है, नाम याद रखिएगा, चिदंबरम सुब्रमण्यम, वापस आएंगे इन नामों पर, सुब्रमण्यम।
इंदिरा गांधी द्वारा चिदम्बरम सुब्रमण्यम साहब को कहा जाता है कि भाई साहब अब आपको करना ये संभालो, भारत में खाद्यान्न संकट आ रखे हैं, हमें कोई कोई भी हमें गेहूं नहीं दे रहा है, मतलब लाखों लोग रोज भूख से मर रहे थे। और इसी बीच एक वाकया होता है, वाकया क्या था कि इंदिरा गांधी चली जाती है अमरीका, अमरीका से गेहूँ मांगने के लिए। 7-8 दिन तक उन्हें बिठाया जाता है, उनसे कोई भी बात नहीं करने आता है। तो 7वें-8वें दिन जब वो उन्हें बुरा लगता है, वो निकलने लगती है वहाँ से, तो पूछा जाता है इंदिरा कैसे आना हुआ आपका, व्हाइट हाउस के बाहर की बात है। इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे यहाँ लाखों लोग रोज भूख से मर रहे हैं, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, आपके पास अनाज है तो दे दो, नहीं तो आप मुझे मना कर सकते थे, मैं कहीं और से जुगाड़ करती भैया। उन्होंने कहा इंदिरा आप नाराज ना होइए, आप एक जहाज का, हमारे यहाँ एक जहाज भरा खड़ा है गेहूं का, ये ले जाइए। और वो जहाज जो गेहूं का भरा हुआ था वो भारत को दे दिया गया। और जब वो कांडला पोर्ट पर खोला गया वो जहाज, तो उसमें जो गेहूं था वो सारा सड़ा हुआ गेहूं था। तो ये बात करी थी हमारे साथ अमेरिका ने इस तरीके से हमारी बेइज्जती करी थी। तो इंदिरा गांधी को ये तय था कि जब तक भारत में खाद्यान्न का उत्पादन भारत नहीं करेगा खुद से, जब तक भारत में गेहूं उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जब तक भारत में चावल उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत भुखमरी के दौर से गुजरता रहेगा और ये सारे देश मजे लेते रहेंगे। तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम साहब को ये काम सौंपा गया कि भाई साहब अब आपको ये संभालना है, कृषि मंत्री हो कैसे भी करके, एनी हाउ बाय एनी क्रूक एंड हुक आपको भारतीय कृषि में वृद्धि लानी है दोस्तों। तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस समय ICRA के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर से मिलते हैं, जिनका डायरेक्टर का नाम था MS स्वामीनाथन साहब। अब यदि MS स्वामीनाथन साहब के बारे में मैं बात करूं तो सर MS स्वामीनाथन आज से नहीं, ये पुराने कृषि वैज्ञानिक थे और जीन जेनेटिक्स के लिए जाने जाते थे, जीन साइंस के लिए जाने जाते थे MS स्वामीनाथन साहब। अब MS स्वामीनाथन दोस्तों इधर उधर ढूंढ रहे थे कि कैसे किस तरीके से विकास किया जाना चाहिए। इसी बीच आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और घटना का विश्लेषण करना पड़ेगा और यह है अमेरिका की घटना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA की घटना। दोस्तों यहां पर USA है और यहां कहीं आपको एक और देश देखने को मिलता है, मेक्सिको। दोस्तों हुआ यूं कि मेक्सिको के अंदर एक बार भयंकर सूखा आया और जितना भयंकर सूखा भारत में आया था उससे कई गुना भयंकर सूखा आता है मेक्सिको के अंदर, हजारों लाखों की संख्या में लोग रोज मरते हैं। तो ऐसे में अमेरिका के एक निवासी हैं, अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नॉर्मन बारलोग। क्या नाम था? नॉर्मन बारलोग। इनके पिताजी का संबंध था स्कॉटलैंड से, इनके पिताजी स्कॉटलैंड से आए थे और ये स्कॉटलैंड से आकर अमेरिका में रहने लगे और यहाँ पर इन्होंने कृषि के बारे में पढ़ाई करी और आगे चलकर एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक के रूप में उभरे नॉर्मन बारलोग साहब। ये जेनेटिक्स के लिए जाने जाते थे, क्रॉप जेनेटिक्स के लिए जाने जाते थे, फसलों में जीन अध्ययन के लिए जाने जाते थे। तो नॉर्मन बारलोग ने क्या किया, मेक्सिको की मदद करने के लिए नॉर्मन बारलोग ने एक गेहूं की नई किस्म विकसित करी, गेहूं की एक नई किस्म विकसित करी गई किसके द्वारा, नॉर्मन बारलोग के द्वारा। ये जो गेहूं की नई किस्म विकसित करी गई थी ये हाइट में, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी लंबाई है, ये नाटे कद की थी, कद इसका छोटा था, कद छोटा था, लेकिन जो उत्पादन था वो कई गुना था, उत्पादन 20 से 25 गुना था, उत्पादन 20 से 25 गुना था इस गेहूं की नई किस्म का। इसीलिए इस नई किस्म को, ये जो नई बीज जो बांटे गए, गेहूं की नई विकसित किस्म जो बांटी गई दोस्तों, इसीलिए इसे कहा गया हाई यील्डिंग वैरायटी। क्या कहा गया? हाई यील्डिंग वैरायटी, क्योंकि ये जो नई किस्म थी ये हाइट में तो कम थी लेकिन ये जो पैदावार दे रही थी वो पहले से 20 से 25 गुना अधिक पैदावार दे रही थी, इसीलिए इन बीजों को बोला गया उच्च उत्पादन किस्म बोला गया या उच्च उत्पादन बीज बोले गए और शॉर्ट में HYV बोले गए। तो नॉर्मन बारलोग ने गेहूं की ये नई फसल विकसित कर दी दोस्तों और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो मेक्सिको में भयंकर सूखा आ चुका था, इस फसल का उपयोग करने के बाद, इस किस्म का उपयोग करने के बाद एक वर्ष में जो मेक्सिको भयंकर सूखे, भयंकर अकाल को देख रहा था,
वही मेक्सिको इस फसल की, इस गेहूं की नई किस्म का उपयोग कर कर एक वर्ष में गेहूं का निवल निर्यातक बन जाता है। गेहूं का क्या बन जाता है? निवल निर्यातक बन जाता है, नेट एक्सपोर्टर बन जाता है। इतनी गजब की थी ये गेहूं की किस्म। और भारत में भी सेम घटना चल रही है। तो भारत में जो एम एस स्वामीनाथन साहब थे उनकी बात हो जाती है, एम एस स्वामीनाथन साहब की बात हो जाती है नॉर्मन बारलोक से, इन्होंने नॉर्मन बारलोक को समझाया और भारत में उच्च उपज किस्म के बीज लाए गए। भारत में लिख लीजिए नॉर्मन बारलोक से, भारत में नॉर्मन बारलोक से गेहूं के उन्नत उपज किस्म लाई गई। और ये जो गेहूं की जो उन्नत उपज किस्म थी, जो हाइल्डिंग वैरायटी थी दोस्तों, इन्हें क्षेत्रीय भाषा में कल्याणी और सोना के नाम से जाना गया। नाम से जाना गया क्षेत्रीय भाषा में कल्याणी और सोना किस्म के नाम से जाना गया। ये गेहूं की जो उन्नत उपज किस्म भारत में आई थी सर, बातें क्लियर हैं। अब भारत में गेहूं की उन्नत उपज किस्म आ चुकी है, भारत में गेहूं आ चुका है। अब चूंकि आपको पता होगा भारत में खाद्यान्न के लिए गेहूं के अलावा क्या उपयोग में लिया जाता है, चावल। तो दोस्तों इसी बीच भारतीय एक कृषि वैज्ञानिक के द्वारा, भारतीय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा चावल की भी उन्नत उपज किस्म विकसित कर दी गई। चावल की उन्नत उपज किस्म विकसित करी गई दोस्तों, किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो लिख लीजिएगा जी कुश द्वारा। जी कुश नामक एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा चावल की भी उन्नत उपज किस्म विकसित करी गई। और 1966 में दोस्तों 1966-67 वाले वर्ष में इनको ट्रायल किया गया, जींद में इनका ट्रायल किया गया। कहाँ पर? तब के पंजाब, आज के हरियाणा, जींद में इनका ट्रायल होता है। और दोस्तों 1966 में पंतनगर विश्वविद्यालय से, पंतनगर बेसिकली भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर से उन्नत उपज किस्म वितरण कार्यक्रम चलाया गया। उन्नत उपज किस्म वितरण कार्यक्रम की शुरुआत होती है, वितरण कार्यक्रम की शुरुआत होती है कहां से करी गई? पंतनगर से इसकी शुरुआत की गई, उन्नत उपज किस्म वितरण कार्यक्रम की शुरुआत। हाइल्डिंग वैरायटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया विद 1966-67, पंतनगर से इसकी शुरुआत कर दी गई। अब सर ऐसी ही समस्या श्रीलंका में आती है, ऐसी समस्या अफगानिस्तान में आती है, हर जगह ये उन्नत उपज किस्म के बीज बांटे जा रहे थे। और अचानक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ये देखा गया कि खाद्यान्नों में और खासकर कि कृषि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। किन चीजों में देखने को वृद्धि देखने को मिली? अचानक से संपूर्ण विश्व में कृषि खाद्यान्न उत्पादनों में, कृषि खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। हर जगह हाइल्डिंग वेराइटीज उत्पादन में, हर जगह हाइल्डिंग वेराइटीज का उपयोग किया जा रहा है, उन्नत उपज किस्मों का उपयोग किया जा रहा है और उनसे कृषि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को, इस पूरे के पूरे जो चल रहा था हर जगह विश्व भर में
जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि चल रही थी, इस प्रक्रिया को विलियम गोड द्वारा, क्या नाम है इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, विलियम गोड द्वारा हरित क्रांति नाम दे दिया गया। किसके द्वारा? विलियम गोड द्वारा हरित क्रांति नाम यहां पर दे दिया गया। हरित क्रांति नाम दे दिया। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति नाम किसके द्वारा दिया गया, तो विलियम गोड द्वारा। जो कृषि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, उसे विलियम गोड द्वारा हरित क्रांति नाम दे दिया गया। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो हम क्या कहते हैं, 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। और मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए और सेम इसी कारण से ये कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है, एम एस स्वामीनाथन। भारत में लिख लीजिए, भारत में हरित क्रांति के पिता जनक, पापा पितामह, एम एस स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है। और इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, चिदंबरम सुब्रमण्यम साहब को भारतीय हरित क्रांति के राजनीतिक जनक के रूप में जाना जाता है। राज नैतिक पिता के रूप में जाना जाता है, जनक के रूप में जाना जाता है चिदंबरम सुब्रमण्यम साहब को। और यही कारण है मेरे प्यारे लाडलो, ये जो नॉर्मन बारलोग है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। हरित क्रांति के पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इसीलिए अच्छा, भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति के जनक सिर्फ ये पूछ लिया जाए तो नॉर्मन बारलोग। और इसीलिए आगे चलकर दोस्तों, नॉर्मन बारलोग को मेरे प्यारे साथियों विश्व नोबेल शांति पुरस्कार से जान नवाजा गया। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना, ये एक सवाल आता है कि नॉर्मन बारलोग को किस विषय में नोबेल प्राइज दिया गया, किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अक्सर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोग कहते हो बोटनी में दिया गया, जूलॉजी में दिया गया, इसमें दिया गया, उसमें दिया गया। तो याद रखना, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था नॉर्मन बारलोग को, और ये हरित क्रांति के जनक है। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात से क्लियर हो गए? तो ये हमने काम किया 1966 से लेकर 1969 तक। अब सर, हरित क्रांति का रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहे? अब बात यह है कि परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। तो यदि परिणाम देखें तो गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन हुआ, गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन हुआ, चावल से भी ज्यादा गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिला। भारत में खाद्यान्न संकट कमजोर हुए, कृषि उत्पादन ओवरऑल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उत्पादन में वृद्धि हुई। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल रही पंचवर्षीय योजना, सफल रही हरित क्रांति। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए। देखो भाई, ये जो उन्नत उपज किस्म जो विकसित करी गई थी, इसके कुछ विशेषता है। उन्नत उपज किस्म की विशेषता, फीचर्स ऑफ हाइल्डिंग वेराइटीज, ये जो हाइल्डिंग वेराइटीज बनाई गई थी, इनकी कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता, इन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता थी। अधिक ये जो नई तरह का जो बीज विकसित किया गया था, नॉर्मन बारलोग जो भारत में नया बीज लेकर आए थे, नई तरह की जो किस्म लेकर आए थे, इन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता थी,
इनमें जल की आवश्यकता अधिक थी, अधिक सिंचाई की आवश्यकता। पहले तो क्या होता था, मानसून आ गया, बारिश आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इनमें तो बोरिंग से पानी देना पड़ता और बार बार पानी देना पड़ता था, अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती। दूसरी, ये जो नई तरह की किस्म थी, ये इसमें कीट ज़्यादा लगते थे, तो अधिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग होने लगा। अधिक कीटनाशक एवं रसायनों का प्रयोग केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स अधिक उपयोग में लिए जाते थे, अधिक उर्वरकों का उपयोग, अधिक उर्वरक जो होते हैं मतलब खाद ज्यादा जो होती है वो अधिक उर्वरक की आवश्यकता रहती थी इस नए तरह के बीज को। इसमें खाद भी ज़्यादा चाहिए था, नाइट्रोजन फास्फोरस, ये जो एनपीके जो यूरिया का उपयोग है ना वो इसी के बाद से चालू हुआ ज़्यादा। अधिक उर्वरक एवं ये जो बीज थे इनकी लागत बहुत ज़्यादा आती थी, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता, पैसा लगाने के लिए यहाँ पर खूब चाहिए था। तो दोस्तों ये कारण रहे इसकी सफल होने के, और यही कारण थे हरित क्रांति के असफल होने के भी। असफल होने के कारण भी यही थे, सफल होने के कारण भी यही थे। जहां इन चारों का मिश्रण विद्यमान होगा वहां सफल हो जाएगी हरित क्रांति, जहां इन चारों में से कोई एक कमजोर हो जाएगा वहीं पर असफल हो जाएगी हरित क्रांति। और यदि कभी कोई आपसे हरित क्रांति के दुष्परिणाम यदि पूछ ले, लिखो, यदि आपसे कोई हरित क्रांति के दुष्परिणाम पूछ ले तो हरित क्रांति के दुष्परिणाम क्या दोगे आप? क्या गलत हुआ? चलो आप लोग बताओ कि हरित क्रांति के दुष्परिणाम क्या है, व्हाट आर द बिगेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो सर सबसे पहला जो दुष्परिणाम हुआ, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, और आज तक उसका हम लोग भोग रहे हैं उसका बोझ। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, जहां ये था वहां लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, जहां ये नहीं थे वहां पर पैसा नहीं था। उससे पहले किसान की एक ही जैसी स्थिति थी, थोड़ा बहुत मजबूत हुआ करता था पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का, लेकिन इतना ज्यादा गैप नहीं था, इतना बड़ा गैप नहीं था अमीर और गरीब के किसान के बीच में। लेकिन इसने क्या किया, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि कर दी कि किसान जो पैसे वाला था बहुत पैसे वाला हो गया, जो गरीब था वो गरीब ही रह गया। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि, अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग करने की प्रथा, बहुत ज्यादा कीटनाशक पेस्टिसाइड केमिकल यूज करे जाने लगे और उसका प्रभाव दीर्घ समय में मानव स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव देखने को मिला। अत्यधिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का उपयोग करने के कारण अमीर एवं गरीब किसान के बीच अधिक फासला, इसके अलावा लैंड पोल्यूशन भी हुआ, वो अलग है, ठीक है। तो ये हरित क्रांति के दुष्परिणाम आपको देखने को मिले ग्रीन रिवोल्यूशन के। तो इस तरीके से बेटा उज्जवल पहले ही बोल दिया करना, कल मैंने पूछा तो था आपको, यदि आप में से कोई भी इंग्लिश में है तो बता देना, मैं ए टू जेड चीज़ें इंग्लिश में भी लिख देता। चलो कोई बात नहीं, मैं नोट्स दे दूंगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाईलिंगुअल, ठीक है। और कल मेरे को आते ही याद दिला देना, जल्दी आ जाएगा टाइम पे, और आते ही बोल दिया अगर सर आप इंग्लिश में लिख दो तो यहीं पर मैं इंग्लिश में बोल भी दूंगा, लिख भी दूंगा। मेरी तो इंग्लिश अच्छी है, इनफैक्ट मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, हिंदी तो बाद में पढ़ाते पढ़ाते अच्छी हो गई, मतलब ठीक है, फिर भी हिंदी भी ठीक है और बाकी लोगों से तो, पर मेरी इंग्लिश और हिंदी मतलब शायद मतलब मुझे लोग यही कहते हैं कि सर आप इकलौते हो जो इंग्लिश और हिंदी में एग्जैक्ट एक ही बात दोनों में बोल के निकल जाते हो अच्छे से। तो बोल दिया करो, मुझे कोई समस्या नहीं होती, मैं तो बिल्कुल खुश हो जाता हूँ, है ना। तो सर दिस वॉज दी
नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फर्स्ट इनकम इनक्वालिटी और रीजनल डिस्पैरिटी, सेकंड इंटेंस यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड, थर्ड इन लॉन्ग टर्म देर वॉज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, फोर्थ ह्यूज गैप बिटवीन रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर. सो दीज आर दी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात है. वॉट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ हाइलिंग वेराइटीज, उन्नत उपज किस्मों की विशेषताएं क्या है? फर्स्ट मोर इरीगेशन इज नीडेड, फर्स्ट सेकेंड इंटेंस यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मोर नीड ऑफ कैपिटल. दीज आर द फीचर्स ऑफ हाइल्डिंग वेराइटीज. और इस तरीके से भारत में हरित क्रांति आ जाती है. क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है. चलिए 5 मिनट का डाउट सेशन लेता हूँ. कल चौथी पंचवर्षीय योजना कल कराऊंगा. चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अपन कल करेंगे और कल शायद अपन हुआ तो अपन मिल्क जो रिवोल्यूशन है, दुग्ध क्रांति, वो भी कर देंगे. अभी लेट्स टाइम फॉर द डाउट. आपके 5 मिनट के लिए मैं डाउट ले लेता हूँ. जल्दी से बताओ कि सर ये डाउट है, ये समस्या आ रही हो, और कोई समस्या आ रही हो, कोर्स में कोई दिक्कत आ रही हो आप लोगों को, तो यू कैन राइट टू अस. बिल्कुल, मतलब इसमें शर्माने वाली बात नहीं है. आप हमें लिख सकते हैं अच्छे से और बोल सकते हैं, आपका ये अधिकार है. मतलब इतना आप कह सकते हो हमें कि सर ये सही चल रहा है या ऐसा करें, कोई सुझाव हो आपका बताओ. आप लोगों को कोई समस्या होती नहीं है, या मतलब यूजुअली लाइव कम देखते हो तो इसलिए बाद में पता चलता होगा आपको मेरी क्लास से. तो बताओ, और कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा. कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो. मैंने आपको पहले बताया था, ये आपका हक भी है और आपको पूछना भी चाहिए. पूछोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मतलब वाली बात है. पूछो जी. सर आप एक ग्रुप बना दीजिए. हाँ, थोड़े दिन में बना लेंगे. मैं आपको नंबर बता देता हूँ. ग्रुप में यार फालतू की बातें ज़्यादा होती हैं असल में, इसलिए मैं बनाने नहीं चाहता. क्योंकि पहले भी हमने जब कोर्स लॉन्च करे कॉन्स्टेबल के या लेखपाल के या पैट के या पीसीएस के, तब ग्रुप बहुत सारे बनाए, लेकिन उनमें हमेशा यही बात आई कि आपस में लड़ने लग गए बच्चे या परेशान करने होने लग गए, एक दूसरे को परेशान करने लग गए. इनफैक्ट मेरे को एक बार रात को 2-3 बजे कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे. तो वो थोड़ा सा आई अवॉइड दोज थिंग्स, वरना कनेक्टिविटी मेरी तो रहेगी. देखो जब तक मेरा कोर्स चलना है चलेगा, अच्छे से चलेगा. जब नहीं, जिस दिन मैं छुट्टी पे होऊंगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा नोटिस देकर, टेंशन ना लीजिए, या पहले बता दूंगा. मैं यूजुअली घर जाता हूँ तब छुट्टी लेता हूँ, या बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो. आज खांसी नहीं हुई ना, कल पूरे दिन डॉक्टर के यहाँ गया, उसका उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ बताई, वो सांस लेने का उन्होंने मशीन सा दिया, सुबह शाम सर 2-3 बार सांस लिया करो, वो करो वो करो, लेकिन अब ठीक है, आराम मिल रहा है. तो ये वाली बात होती है कि मैं छुट्टी यूजुअली करूँगा नहीं. बाकी आपके पास नंबर है, कॉल कर लिया करो, कभी भी बात कर लिया करो, किसी भी टीचर से बात करनी हो, है ना. और आपके जल्दी एक और सब्जेक्ट चालू होने वाला है अगले हफ्ते. ठीक है, अभी 2-3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, फिर अगले हफ्ते और सब्जेक्ट ऐड कर देंगे ताकि टाइम पे अपन कोर्स पूरा कर लें. ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगली क्लास में. तब तक ले ध्यान रखें, ख्याल रखें. बाय बाय. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच.